इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। तबीयत खराब है करीब लगभग 2 और सवा 2 के आसपास, जैसा भी पता चला आचार है वहाँ पर भोजन के बाद थोड़ा सा उनको अनइजीनेस हुई और उनको लगा खुद को कि मैं अनकॉन्शियस से होने लगा, उनको भारीपन हुआ। तो पहले वहाँ फर्स्ट एड के लिए हरिद्वार में भूमा निकेतन अस्पताल ले गए और वहाँ से और अच्छे स्वास्थ्य में ठीक से हो जाए परीक्षण उसके लिए यहाँ एम्स में लाया गया। और अभी एम्स के डायरेक्टर साहब ने जो भी उनको देख कर आए परीक्षण करके आए, उन्होंने बताया कि सब चीज़ें ठीक है, अंडर कंट्रोल है। अब क्या कारण थे बाकी सारे टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद पता चलेगा। वैसे वो स्वास्थ्य क्या बताया नहीं, वहाँ तो मुश्किल से 15 मिनट के लिए ले गए, कोई कोशिश की गई कि वॉमिटिंग हो जाए, कुछ ऐसा तो नहीं कि खाने के साथ कोई ऐसा कोई खाना खाया गया जिससे कुछ भारीपन आ गया या गैस्ट्रिक हो गई, और इमीडिएटली यहाँ स्वामी जी उनको लेकर बातचीत कर रहे। तो आए थे इमरजेंसी में, तो हमें तत्काल में इंफॉर्मेशन पता लगी कि ऐसे ऐसे कुछ गड़बड़ हुई है, तो उनके साथ स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है। तो तुरंत हमने इमरजेंसी में उन्हें लिया, उनका उपचार स्टार्ट किया। तो वो थोड़ी सी बेहोशी की हालत में आए थे, मतलब ना एक कहेंगे कि पूरी बेहोशी नहीं है, जिसे ड्राउजी स्टेट कहते हैं उसमें आए थे। थोड़ा उन्हें सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, तो किसी ने बताया कि खाना खाते समय हो सकता है कुछ अटक गया हो, क्योंकि वो खाना भोजन कर रहे थे उस समय, उसके बाद फिर कुछ ऐसा हुआ। तो लेकिन यहाँ पर स्थिति को पूरी तरह से संभाला गया, उनको पूरी इमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया गया। उसके बाद जब स्थिति पूरी तरह से नॉर्मल हुई कि उनके सारे वाइटल्स जिसे कहते हैं हम बीपी और हार्ट रेट और उनका टेम्परेचर सब चीज़ें चेक करके स्टेबलाइज़ किया, और जब स्थिति नॉर्मल होने के बाद सीटी स्कैन कराया गया, सीटी स्कैन में भी ऐसी कोई चीज़ नहीं पाई गई कि जिसमें हमें शक हो, हार्ट से रिलेटेड भी संबंधित ऐसी कोई बीमारी नहीं लगी। तो हमें लगा हो सकता है शायद कुछ खाना अटकने की वजह से या कुछ गड़बड़ हुई हो, लेकिन वो थोड़ी सी नींद की अवस्था में हल्की सी थे, इसके अलावा बाकी ऐसी कोई घबराने वाली स्थिति नहीं नज़र आई। आपने कहाँ रह सकते जी उनको स्थिति को देखते हुए कि हमें लगा कि शायद मे बी न्यूरोफिजिशियन या न्यूरोसर्जन की उपचार की ज़रूरत पड़ सकती है, तो हमने तुरंत उनको यहाँ से एम्स ऋषिकेश के लिए रेफ़र किया गया। और यदि वहाँ पर सुविधा है और या फिर दूसरा ऑल्टरनेट हमने मैक्स देहरादून के लिए कहा, ताकि वहाँ अगर ऐसी टीम को और साथ में टीम को एम्स में और मैक्स देहरादून में खबर भेज दी गई कि टीम पूरी वहाँ पर तैनात रहें, कोई भी किस्म की अगर ज़रूरत पड़े तो सारे डॉक्टर्स वहाँ उपलब्ध हैं। इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, सबसे पहले वीडियो पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएँ।